सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल इंजीनियर चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए सबसे पहले रिपेयर वीडियो देखने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं मोबाइल इंजीनियर और मैं आज आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी J4। अगर आपके पास ऐसे कोई हैंडसेट आए कि वो बैटरी टेम्परेचर ओवर हीटिंग आ रहा है या चार्ज नहीं हो रहा है, ऐसे रेड कलर का सिंबल आ रहा है, तो आप उसको कैसे आसानी से रिसॉल्व कर पाएंगे, इसका रिपेयर कर पाएंगे, आज मैं इस वीडियो पर आपको स्टेप बाय स्टेप काम करके दिखाऊंगा और फिर आपको समझा भी दूंगा कि कैसे आप उसको आसानी से रिसॉल्व कर पाएंगे। तो खास करके ये वीडियो पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी J4 कैसे हम इसका रिपेयर कर पाएंगे। तो इस हैंडसेट को मैंने पहले से खोल के देखो, सिर्फ इसके स्क्रू खोला है। मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आप खोलेंगे तो इसका जो हेडफोन जैक है ये नीचे की तरफ है और इसी के साथ इसका माइक आ रहा है। तो आप जब नीचे की तरफ से इसका ओपनिंग करेंगे तो इसका जो माइक है वो ख़राब हो सकता है। जब इसको खोलेंगे तो इसको आप पहले से ऊपर की तरफ से खोलिए। जैसे देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा खोल के रखा हूँ। ये हैंडसेट खोलते वक्त अब इसका माइक खराब हो सकता है। देखिए जो माइक का कनेक्शन है ये APCB आ रहा है या ये खराब हो सकता है। आप जब हैंडसेट को डिसअसेंबली कर रहे हैं तो आप इस हैंडसेट को जब भी खोलेंगे ऊपर की तरफ से खोलने की कोशिश कीजिए। तो मैं जैसे कि बता रहा था कि ये हैंडसेट आ रहा है चार्जिंग पॉज, ऐसे कोई प्रॉब्लम, ये हैंडसेट लिक्विड लॉक है, मैं सर्विस करके रखा हूँ उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी हो कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसके बाद भी और एक प्रॉब्लम आ सकती है कि चार्ज नहीं हो रहा है। तो मैं चार्ज का प्रॉब्लम भी अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि चार्ज का जो प्रॉब्लम हो कहाँ से आप रिसॉल्व कर पाएंगे। देखिए जो चार्जिंग कनेक्टर है, चार्जिंग कनेक्टर के पीछे आपका ये जो है वो टच के आईसी है, टच आईसी की तरफ काम करता है और ये रहेगा आपका कॉइल और ये एक आईसी जो चार्ज के लिए काम करेगा, इस ये है OVV यानी कि ओवर वोल्टेज के लिए काम करता है। ठीक है, तो अगर आपका चार्ज नहीं हो रहा है तो इस आईसी को रिमूव करके आप इसको डायरेक्ट जम्पर कर पाएंगे। और खास करके जो प्रॉब्लम आपको मैं दिखा रहा था कि जो ओवर वोल्टेज के लिए जो प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए अगर आपके पास हैंडसेट आपने खोला है ऐसे है तो आप इस तरफ देख सकते हैं। ये आपका जो एंटेना है, एंटेना के पास तीनों कंपोनेंट लगा हुआ है इसके पास, एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर और वो ये जो लगा है ये थर्मिस्टर के काम करता है। ये जो थर्मिस्टर है अगर ऐसे कोई वोल्टेज के आ रहा है कि आप चार्ज नहीं हो रहा है, ओवर टेम्परेचर दिखा रहा है, तो आप सीधे से इसको रिमूव कर दीजिए थर्मिस्टर को। ये जो थर्मिस्टर है इसको रिमूव कर दीजिए, इसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए, उसके बाद आप इस हैंडसेट को बैटरी लगा दीजिए। लीजिए इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। जैसे मैंने आपको दिखाया है कि अगर ओवर टेम्परेचर आ रहा है तो इस थर्मिस्टर को आप रिमूव कर दीजिए। मैंने पहले से बता दिया हूँ कि एक रजिस्टर, कैपेसिटर और उसके बाद थर्मिस्टर। तो फ्रेंड ये वीडियो आज इतना ही है आपके लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के पास और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।